राम मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच गए हैं। वहीं बैठक से पहले नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर के दूसरे तल पर बनने वाले राम मंदिर की मूर्ति संगमरमर की होगी, जबकि परिसर में बन रहे सप्त मंदिर का निर्माण अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शेषावतार मंदिर में लगने वाली आधारशिला 25 वर्ष पुरानी है, जिसको हटाकर नई आधारशिला रखी जाएगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में फाउंडेशन का कार्य शुरू हो जाएगा और इसका निर्माण कार्य 12 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा परिसर में ही एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जहां रामायण कालीन और खुदाई में मिली वस्तुएं रखी जाएंगी, ताकि इस म्यूजियम के माध्यम से श्रद्धालु राम मंदिर के इतिहास से रूबरू हो सकें। राम दरबार की मूर्ति जो है वह संगमरमर की होगी। कुछ जो विषय महत्वपूर्ण है वो यह है कि जो सप्त मंदिर है उसे हम अक्टूबर तक पूरा करना चाहेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था कल, आप सभी जानते होंगे कि वहाँ पे एक शेषावतार का मंदिर है। शेषावतार के मंदिर का जो उसकी आधारशिला थी उसका परीक्षण किया गया और वो बहुत पुरानी, करीब 25 वर्ष पुरानी आधारशिला थी, तो उसको परीक्षण के बाद यह उचित पाया गया है कि नए सिरे से आधारशिला डाली जाए और पुरानी आधारशिला को जो है वो वहाँ से हटा दिया जाए। एक अन्य जो समीक्षा में महत्वपूर्ण विषय था वह था ऑडिटोरियम बनाने का। ऑडिटोरियम बनाने का अगले माह यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में अब फाउंडेशन का कार्य शुरू हो जाएगा, आधारशिला उसकी डाल दी जाएगी और उसे भी लगभग लगभग 12 महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। उसकी क्या महत्व है, किस प्रकार से वो खुदाई ने ये एक प्रकार से पुष्टि की कि भगवान राम लला का जन्म स्थान कहाँ था, तो उस प्रकार के जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर रखी जाएंगी और उसकी एक आप यूँ समझें कि सारी सभी चीज़ों को एक गुत्थी में इस प्रकार से उसको दिखाया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा कि जो इतिहास है 500 साल का ही नहीं बल्कि उससे पुराना जो इतिहास है वह भी इतिहास पूरा श्रद्धालुओं के समक्ष आ सके।